रूस यूक्रेन युद्ध दिनों दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि अब यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को तक घुस रहे हैं और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता है। हालांकि रूस हर बार होने वाले ड्रोन हमलों को लेकर दावा करता है कि उसने यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और उन्हें क्रैश करा दिया, लेकिन अब रूस के डागेस्टान शहर के एक पेट्रोल पंप पर भयानक धमाका हुआ है। ये धमाका इतना भयानक था कि इसमें 30 लोगों की जान चली गई है, जबकि 66 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मरने वालों में 13 बच्चे भी हैं। दरअसल कैस्पियन सागर के ऊपर स्थित मकैशकला की राजधानी डागिस्तान के हाईवे पर एक गैराज के पास ये धमाका हुआ है। दरअसल गैराज से अचानक आग की लपटें निकलने लगी और पास ही में मौजूद पेट्रोल पंप तक पहुंच गईं, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। आपको बता दें कि इस हमले में जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें एक जहाज के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है, और वहीं इस धमाके के चश्मदीदों का कहना है कि गैराज के पास कई गाड़ियां खड़ी थीं और ये गाड़ियां पेट्रोल पंप तक खड़ी हुई थीं। अचानक से एक धमाका हुआ और सब कुछ हमारे ऊपर आ गिरा, जिसके बाद हम कुछ देख नहीं पाए। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद ये आग करीब 600 स्क्वायर मीटर तक फैल गई और हालातों को संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन को 260 दमकल कर्मी लगाने पड़े। रूस की न्यूज एजेंसी टास का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटों से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल पंप पर हुआ ये धमाका क्या एक दुर्घटना थी या फिर कोई सोची समझी साजिश, या फिर इस धमाके का यूक्रेन से कोई कनेक्शन है। हालांकि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल इस हमले का कारण और इसके पीछे किसका हाथ है इस बात की जानकारी नहीं दी है।